हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. दिस इज़ नीलम. हम एनिमल्स के बारे में कर रहे हैं. आज हम पार्ट टू में, पार्ट वन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. ओके, जिसमें एनिमल्स के बारे में उनके अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग मैंने कुछ एक चीज़ें बताई थी, डिफ्रेंशिएट किया था उनको. तो आज के वीडियो में हम लेके चलेंगे जो प्रीवियस ईयर में एनिमल टॉपिक से जो है एनिमल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, किस वे में पूछा गया है, उन क्वेश्चंस को लेंगे और उनसे रिलेटेड और किस तरह के क्वेश्चन जो हैं बनते हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो आपके लिए, जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं. तो ये कंटेंट हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए सेम ही रहता है. फर्स्ट क्वेश्चन जो फेब 2014 में पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. Animals that have outside ears and hair on their body give birth to the young ones. कुछ एक स्टेटमेंट दिए गए हैं, उन स्टेटमेंट्स में आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही हैं. Animals that do not have outside ears and hair on their body lay eggs. Animals that have outside ears and hair on their body lay eggs. Okay, तो यहाँ से भी दो स्टेटमेंट को किया है मैंने, एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर एंड एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स. तो ये दो स्टेटमेंट को एक में कर दिया है. ओके, तो हमें अब ये देखना है कि अगर हम एक हिंट लेना चाहें तो हम ह्यूमन बीइंग्स को ले सकते हैं. ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो एन एनिमल. तो ह्यूमन बीइंग्स के जो है ईयर एंड हेयर ऑन देयर बॉडी, ह्यूमन बॉडी पे हेयर होते हैं, स्मॉल स्मॉल होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं. इन द सेम वे उनके ईयर जो हैं वो आउटसाइड, मतलब जो बॉडी पे हमें इजीली दिखते हैं, बाहर को निकले हुए दिखते हैं. तो हम बेबीज जो हमारे यंग वंस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बेबीज होते हैं, ना कि एग्स की फॉर्म में होते हैं. तो इसमें ये स्टेटमेंट सही है, एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स. तो डू नॉट हैव वाला गलत हो जाएगा. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट. तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा राइट स्टेटमेंट है आंसर्स में. सेकेंड हम बात करते हैं, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स. तो अगर हम बात करते हैं बर्ड्स की, ओके, तो बर्ड्स को आपने देखा होगा कि बर्ड्स के फैदर्स होते हैं, ना कि हेयर होते हैं, और उनके जो ईयर होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, हम इजीली नहीं दिखते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट भी इसका जो है वो राइट है, करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है. एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर ऑन देयर बॉडी ले एग्स. जिनके कान इजीली दिखते हैं और जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं वो एग्स ले करते हैं, मीन्स उनके बेबीज जो भी वो यंग वंस को, और हम ये कह सकते हैं कि जो भी उनके यंग वंस होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ एग्स होते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है, हम बेबीज़ को बर्थ देते हैं, ना कि एग्स ले करते हैं. तो ये थर्ड स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट में है. और यहाँ से हमने जो एक समरी पॉइंट निकाला है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकाला है, वो ये है कि एनिमल्स, और हम ये कह सकते हैं कि मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी बिकॉज दे गिव बर्थ टू द यंग वंस. और मैमल्स हैव आउटसाइड ईयर्स, नॉट ऑल मैमल्स, बट हम यहाँ पर ये चीज़ अब हमें पता चल गई है. दोज एनिमल्स विच हैव आउटसाइड ईयर, जैसे हम एक एलिफेंट की बात करते हैं, एलिफेंट के कान आप इजीली देख सकते हो. मंकी है, मंकी के कान आप इजीली देख सकते हो. हॉर्स के कान आप इजीली देख सकते हो. तो इस तरह से जो एनिमल जो हैं यंग वंस को बर्थ देते हैं उनके ईयर आउटसाइड होते हैं और उनकी बॉडी पे बाल होते हैं. ये चीज़ बस हमें यहाँ से पता लग रही है. और वो एनिमल जिनके बॉडी पे बाल नहीं होते हैं और जिनके कान छुपे हुए होते हैं वो एग्स ले करते हैं. ओके, तो ये दो स्टेटमेंट हमें यहाँ से, तो दो चीज़ें हमें यहाँ से पता चल रही हैं. अब इससे रिलेटेड और क्या चीज़ें हैं, और आगे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो वो हम आगे लेके चलते हैं. देन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एनिमल्स, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वंस ओन काइंड. डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वंस ओन काइंड, मतलब एनिमल जो है अपनी ही तरह के जो
बेबीज को बर्थ पैदा करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वंस ओन काइंड. जैसे कि एलिफेंट है, एलिफेंट का बेबी भी एलिफेंट की तरह दिखता है. मंकी है, मंकी का बेबी भी मंकी की तरह दिखता है. एक चिड़िया है, चिड़िया का बेबी भी चिड़िया की तरह ही दिखेगा. तो इस तरह से उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिप्रोडक्शन. बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स रिप्रोड्यूस बाय, किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं वो, बाय लेइंग एग्स. अभी हमने किया था बाय लेइंग एग्स. तो बर्ड्स भी एग की फॉर्म में बेबीज प्रोड्यूस करती है, फिश भी, फ्रॉग्स भी एंड इंसेक्ट्स भी. सो बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉग, रैबिट, हॉर्स, गोट, ह्यूमंस आर डैश गिव बर्थ टू यंग वंस. डॉग, रैबिट, हॉर्स, गोट, ह्यूमंस आर डैश गिव बर्थ टू यंग वंस. दे आर मैमल्स, दे आर मैमल्स. तो इसका आंसर होगा मैमल्स. डॉग भी एक मैमल है, रैबिट भी मैमल है, हॉर्स, गोट, ह्यूमन, ऑल आर मैमल्स. दे गिव बर्थ टू यंग वंस. ओके, एंड दीज गिव रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. तो रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों में डिफरेंट है. एक का थ्रू एग्स है और एक का थ्रू बेबीज है. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. तो आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम एनिमल्स के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं किसी ना किसी फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये. मैंने कहा था कि मैमल जो हैं वो बेबीज़ को बर्थ करते हैं. ओके, मीन्स उनके जो बेबीज़ होते हैं, यंग वंस होते हैं वो, सॉरी मीन्स मैमल्स जो है वो बेबीज़ को पैदा करते हैं. ठीक है, और जो इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो एग्स ले करते हैं. लेकिन यहाँ पे एक जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर. तो द स्पाइनी एंट ईटर एंड डक प्लेटिपस आर मैमल्स दैट ले एग्स. तो ये दो क्या हैं, मैमल्स हैं. ओके, ये दोनों मैमल्स हैं बट दे ले एग्स, दे डोंट प्रोड्यूस द बेबीज, दे ले एग्स. सो स्पाइनी एंट ईटर, तो आपको इनका नाम याद रखना है, स्पाइनी एंट ईटर एंड डक प्लेटिपस. ओके, अगर मैं आपको इनकी पिक्चर दिखाऊं कि किस तरह के दिखते हैं, तो ये है स्पाइनी एंट ईटर. ओके, जिसके स्पाइक्स निकले होते हैं, पूरी बॉडी पे स्पाइक्स होते हैं. तो ये स्पाइक्स इसकी पहचान है. इसका नाम है स्पाइनी एंट ईटर. एंट्स जो है इसका फूड होता है. तो ये एक मैमल है, लेकिन ये एग्स ले करता है. और ये है दूसरा हमारा प्लेटिपस, डक प्लेटिपस. पीछे से ये रैट माउस की तरह दिखता है, रैट की तरह दिखता है, लेकिन आगे इसका जो बीक होता है वो डक की तरह होता है. तो ये दोनों एनिमल्स हैं जो हैं तो मैमल्स, लेकिन वो एग्स ले करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा, द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग हैज़ डैश स्टेजेस. एक फ्रॉग के लाइफ साइकिल में फ्रॉम बर्थ टू हिज एडल्ट एज कितना लाइफ कितना स्टेजेस आते हैं, फाइव स्टेजेस. सो द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग हैज़ फाइव स्टेजेस. देन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, मॉथ, मस्कीटो, सिल्क वर्म एंड बीटल हैव फोर स्टेजेस. दे हैव फोर स्टेजेस. ओके, द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, मॉथ, मस्कीटो, सिल्क वर्म. मॉथ इज हाउस फ्लाई. मस्कीटो, सिल्क वर्म एंड बीटल हैव फोर स्टेजेस. ओके, देन अब इनके जो फाइव स्टेजेस एंड फोर स्टेजेस हैं उनका आपको पता होना चाहिए. आई होप आपको पता ही होगा कि फोर स्टेजेस क्या हैं. अगर नहीं पता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसे एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल है, हमने बताया जैसे कि इसके फाइव स्टेजेस होते हैं. तो फर्स्ट स्टेज में ये एक जेली की तरह दिखता है, ये देख लीजिए आप, एक जेली की तरह है जिसको हम कहते हैं स्पॉन. सेकेंड स्टेज में ये एक इस तरह की फॉर्म में होता है, हेड डिस्का ग्रो हो जाता है, लेकिन पीछे का बॉडी एक टेल की तरह दिखता है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो. थर्ड स्टेज में हम इजीली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक फ्रॉग का बेबी है. अगर हमें कहीं से ये स्टेज में कहीं पे हमें दिख जाता है तो हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रंट
जो फ्रंट साइड है इसका पूरा डेवलप हो चुका होता है, एक पूरा फ्रॉग की शेप में होता है। इसको हम बोलेंगे थर्ड स्टेज में टैडपोल। फोर्थ स्टेज जो है वो उसकी यंग फ्रॉग, एंड फिफ्थ वन इज़ एडल्ट फ्रॉग। तो फाइव स्टेजेस हैं, स्पॉन, एम्ब्रियो, टैडपोल, यंग फ्रॉग एंड एडल्ट फ्रॉग। ओके, सेम वे में जो लेजर है, टर्टल है, स्नेक है, वो भी एग्स ले करते हैं। ओके, बट कुछ एक इंसेक्ट होते हैं, कुछ एक रेप्टाइल्स होते हैं जो अपने एग्स की बहुत प्रोटेक्शन करते हैं, और कुछ एक होते हैं जो अपने एग को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब जैसे कि एक लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई है, तो या मॉथ मैंने बताया, हाउस फ्लाई, मस्कीटो, सिल्क वर्म या बीटल, दे हैव फोर स्टेजेस। अगर वो फोर स्टेजेस हम देखना चाहें तो वो क्या हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एग है। बटरफ्लाई जो है हमेशा अपने एग्स को एक लीफ के ऊपर जो है डाल देती हैं, लीफ के ऊपर ही रखती हैं हमेशा वो। ओके, ऑलवेज दे ले देयर एग्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। ओके, और उसके बाद वो उनको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करती हैं, वो इस तरह से उनको ले करती हैं कि जो एग हैं वो ऑलरेडी जो है लीफ की हेल्प से अपना फूड ले सकें और ग्रो कर सकें। ठीक है, देन एग जो है फर्स्ट स्टेज है, देन वो चेंज होती है, उसको जो सेकेंड स्टेज है उसको हम कहते हैं लार्वा, दिस इज़ द सेकेंड स्टेज। देन थर्ड स्टेज इज़ प्यूपा। ओके, प्यूपा में ये फिर जो कैटरपिलर है ये एनक्लोज हो जाता है एक लीफ के अंदर। देन फोर्थ स्टेज जो है वो, उसके बाद वो जो उस लीफ के अंदर अपने आप को रैप कर लेता है प्यूपा। ओके, उसके अराउंड जो है एक फाइबर होता है जिसको हम कोकून कहते हैं। तो कोकून के अंदर जब ये ग्रो कर जाता है तो ये बाद में एमर्ज होता है एक बटरफ्लाई की फॉर्म में। ओके, तो इस तरह से ये बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, एडल्ट बटरफ्लाई। तो ये फोर मेन स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड बटरफ्लाई। ओके, दीज आर द फोर स्टेजेस ऑफ अ लाइफ इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अगर हम बात करते हैं एक कॉकरोच की या ग्रास हॉपर की, कॉकरोच, ग्रास हॉपर, फर्स्ट दे ले एग्स। ओके, देन दैट एग चेंजेस इनटू द यंग कॉकरोच विच लुक्स लाइक, मोस्टली देयर लुक लाइक देयर एडल्ट वन और देयर पेरेंट वन, तो उसको हम कहते हैं निम्फ। ओके, देन इट चेंजेस इनटू अ एडल्ट कॉकरोच। तो थ्री स्टेजेस हैं, एग, यंग कॉकरोच विच वी कॉल निम्फ, निम्फ जिसको हम कहते हैं, एंड थर्ड वन इज एडल्ट कॉकरोच। ओके, तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि बटरफ्लाई, मॉथ है, मस्कीटो है, उन सबकी लाइफ साइकिल में फोर स्टेजेस होते हैं। देन जैसे कि मैंने आपको बताया, बटरफ्लाई अपने एग्स जो है वो लीफ के ऊपर, ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ दे ले देयर एग्स। इन द सेम वे मस्कीटो जो है, मस्कीटो अपने एग्स को जो है वो जो स्टेबल वाटर होता है, ओके, स्टेग्नेंट वाटर होता है, उसके ऊपर अपने एग्स को ले करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जो है ये इंसेक्ट अपने एग्स ले करते हैं। अमंग एनिमल्स, मैमल्स गिव मोर पेरेंटल केयर देन अदर्स। तो एनिमल जो हैं, एनिमल्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केयर कौन करता है अपने बच्चों की, अपने बेबीज़ की, वो है मैमल्स। ओके, नेक्स्ट है, इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच हैव डैश स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। अभी मैंने आपको बताया हाउ मैनी स्टेजेस दे हैव इन देयर लाइफ साइकिल, दे हैव थ्री स्टेजेस, सो द आंसर विल बी थ्री। द यंग वन ऑफ अ कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर इज कॉल्ड निम्फ। ये भी मैं आपको अभी बता चुकी, जिसमें अभी हमने पिक्चर जो देखा है, द यंग वन ऑफ अ कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर इज कॉल्ड निम्फ, जो कि मोस्टली अपने पेरेंट की तरह दिखता है। ओके, अब हमें ये क्वेश्चन जो है वो 2016 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट और मेहंदी हेज। तो उसमें पूछा गया था कि डव जो है वो अपना नेस्ट, या कौन सा ऐसा बर्ड है जिसका नेस्ट जो है, या जो अपना नेस्ट जो है वो कैक्टस प्लांट पे बनाता है, इस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आंसर होगा डव। ओके, आंसर क्या होगा, डव। डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग
द थॉर्न्स ऑफ अ कैक्टस प्लांट, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और मेहंदी हेज, हेज होता है जो बुशेज होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं, मेहंदी की जो झाड़ियाँ हैं वो उन पे या फिर कैक्टस प्लांट पे जो है वो अपना नेस्ट बनाता है. ओके, दिस वर्ड बर्ड. देन नेक्स्ट इज एन इंडियन रॉबिन लेज इट्स एग्स इन बिटवीन ऑफ स्टोन अलॉन्ग रोड साइड. तो इसी क्वेश्चन के एक ऑप्शन में दिया था रॉबिन, रॉबिन बर्ड. तो रॉबिन बर्ड कहाँ पे एग्स ले करता है या कहाँ पे उसका नेस्ट होता है? इट्स नेस्ट इज इन द स्टोन बिटवीन द रोड साइड. रोड साइड में जो भी स्टोन्स पड़े होते हैं उसके बीच में जो है ये अपना नेस्ट बनाता है और वहाँ पे एग्स ले करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो फेब्रवरी 2014 में पूछा गया है, हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. तो उसमें कुछ एक ऑप्शंस दिए गए थे, तो वो अगर आपको ये चीज़ें पता है तभी आप आंसर दे सकते हो. तो उसमें स्टेटमेंट पूछी गई थी शायद हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम जनवरी टू समथिंग कोई मंथ दिया था, तो दैट स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, हनी बी ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. अक्टूबर में भी दे सकते हैं, नवंबर, दिसंबर, थ्री मंथ्स इन इस टाइम पीरियड के अंदर ही वो अपने एग्स ले करती हैं. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग विच ऑलरेडी आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम. कोयल लेज इट्स एग्स इन क्रोज नेस्ट. ओके, तो ये अब कोयल अपने एग कहाँ पे ले करती हैं? क्रोज के नेस्ट में. एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स. जितनी भी बी हाइव्स होती हैं, सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर, ओनली ए क्वीन बी ले एग्स. ओके, नाउ फेब्रवरी 2014 में पूछा है, डैश मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री. सो द आंसर विल बी द क्रो. क्रो मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री. ओके, और बहुत बड़ा नेस्ट होता है इसका, जो घोंसला होता है क्रो का बहुत बड़ा होता है, लार्ज अप टू 9 inches हाई, 9 inch तक उसका हाइट होता है और 2 feet उसका डायमीटर होता है. ओके, तो इतना बड़ा नेस्ट जो है क्रो का होता है. तो ये हमेशा अपना नेस्ट जो है बहुत ही ऊंचाई पे बनाता है, पेड़ की बहुत ऊंची शाखाओं पर. नेक्स्ट है, इनक्यूबेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अ बर्ड सिट ऑन एग्स टू कीप देम वार्म एंड डेवलप इनटू चिक्स. तो दैट प्रोसेस जिसमें बर्ड्स एग्स के ऊपर बैठकर उनको हीट देते हैं ताकि वो बेबी बर्ड्स में चेंज हो जाएं, उनके अंदर से बेबीज बाहर आएं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनक्यूबेशन. द यंग वन ऑफ एन इंसेक्ट दैट लुक्स लाइक वर्म इज कॉल्ड लार्वा. ये हमने, मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया था कॉकरोच के या जो भी अनदर लाइफ साइकिल है. तो यंग वंस ऑफ एन इंसेक्ट दैट लुक्स लाइक वर्म, अगर किसी इंसेक्ट का जो यंग वन है अगर वो किसी वर्म की तरह दिखता है, ओके, एक कीड़े की तरह दिखता है, वर्म की तरह दिखता है, तो उसको हम लार्वा कहते हैं. इफ़ इट रिजेंबल द पेरेंट देन इट वी कॉल इट नेम्फ. अगर जो यंग वन है अगर वो पेरेंट के साथ रिजेंबल करता है, पेरेंट की तरह दिखता है, तो उसको हम नेम्फ कहते हैं. जैसे कि कॉकरोच के केस में आपने देखा था कि जो यंग वन था वो नेम्फ पेरेंट की तरह दिख रहा था, एडल्ट कॉकरोच की तरह दिख रहा था, तो हमने उसको नाम दिया था नेम्फ. और कुछ केसेस में जहाँ पे इंसेक्ट का बेबी एक वर्म की तरह दिखता है उसको हम कहते हैं लार्वा. तो ये सारी कुछ एक चीज़ें हैं मेन एनिमल्स और इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बारे में. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया कि फेब्रवरी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा है, ये एक डाव का क्वेश्चन पूछा है. तो इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ. तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे. तो इसी तरह के और क्वेश्चंस जो हैं एनिमल्स के ऊपर हम बहुत करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सीटेट के लिए. तो करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस. तब तक के लिए बाय, सी यू.